SKP7 न्यूज वैशाली। वैशाली में लगातार बैंक और फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में घुसकर हथियारबंद अपराधी द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिए जाने से वैशाली पुलिस की नींद उड़ गई है। एक दिन में दो लूट की घटना से पुलिस परेशान है। लूट की घटना को लेकर लालनगंज थाना अध्यक्ष ने अपने इलाके में मौजूद बैंक और ग्राहक सेवा केंद्र का जायजा लिया। पुलिस को यह महसूस हुआ कि बैंक कर्मी की लापरवाही भी कम नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस बल आसानी से बैंक की पीछे के दरवाजे से प्रवेश करती है और कोई भी बैंक कर्मी सिर उठाकर नहीं देखता है कि कौन घुसा है बैंक के अंदर। इतना ही नहीं, पुलिस कर्मी कैश रूम तक घुस जाती है और उसे कोई टोकता तक नहीं। इससे साफ जाहिर होता है कि लापरवाह बैंक कर्मी भी है जो बैंक के अंदर घुसने वाले वैसे लोगों पर नजर नहीं रखती जिसे बैंक से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस यह मानती है कि बैंक के अंदर से अपराधी ग्राहक को निशाना बनाता है और रास्ते में लूट की घटना को अंजाम देता है। हमारे जगह प्रवेश किया है, चले जाते हैं। कैसे पता चलता आपको ये दरवाजा खुला है? ऐसे पूछते आपके तो बंद काम होते हैं। आप कभी रोके इनको? आप मजे ये बात वही देखिए, सिक्योरिटी हो ना। अच्छा, सिक्योरिटी में आप कैश काउंटर के पास ही गए कैसे? यहाँ से अंदर जाना नहीं है, आपके पास रहना है। हमको अंदर जाना है, अगर हम बदमाश रहते हैं, निकाल देते बंदूक तो उसमें क्या करते हैं? इसके अंदर हम कैसे आ गए यहाँ पर? अगर अंदर आ भी गए तो दरवाजा क्यों खुला हुआ है? ये तो सिक्योरिटी के लिए है। क्या सिक्योरिटी है? कोई सिक्योरिटी? इसी समय अगर अपराधी अपना दिमाग लगा देता, इसी समय एंट्री कर जाता, उस समय आप क्या करते? ऐसा देखिए बता रहे हैं, ऐसा आपके हक के लिए है कि एक तो यहाँ दरवाजा हमेशा लॉक रखिए। आगे जहाँ कैश काउंटर पर बैठ रहे हैं आप तो कह रहे हैं, वहाँ पे सामने आदमी आएगा, इसको तो छोड़ दीजिए। आप इधर से आइए, बताते हैं आपको। आप इसको लॉक कर देते हैं? नहीं, आगे से भी तो ऐसे है ना, आगे से भी ऐसे है। एक तो यहाँ का सिक्योरिटी नहीं है, इसको नंबर इसको गलत हो गई बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? एक दिन आपके ऊपर जान को बन जाएगा। समझ रहा है तो फोर्ट पे तो अभी बैठता है ना, सबसे आएगा तो अटैक अभी कौन लगा रहेगा? आए दिन घटना ऐसे नहीं हो रहा है, यू सब टारगेट कर रहा है, देख रहा है कहाँ से सुरक्षा नहीं है। यहाँ पर आपका कैश काउंटर है, यहाँ कैश काउंटर है यहाँ पर। ये मान लीजिए हमारे बंदूक पे आपका स्टाफ यहाँ बैठा है, आप अगर अपना बंद किए हुए हैं तो दिखाएंगे यहाँ पर पैसा चुपचाप पड़ा रहा, उनको नहीं मार देंगे। जिनका मजा आ रहा है हिलने के लिए, वहाँ से वहीं रहेंगे। उसके बाद एक बार इसमें जाएगा, दो आदमी कूदेगा, सारा लोग ताकते रह जाएगा, दो आदमी इस पर काम देगा, कहेगा चलो जहाँ भाई वहीं खड़ा रहो। इसलिए एक तो यहाँ पर आप ग्रिलिंग करा दीजिए। आप ये लिखता हूँ तुरंत, वहाँ लिखा हूँ ग्राहक सेवा केंद्र SBI जो है ना, वहाँ पे अभी लिख कर आया हूँ। जब भी दरवाजा खुलवाना है दो स्टाफ बुलाइए, घंटा रखिए, फरसा रखवाइए, लाठी रखवाइए, चक्कू रखिए, अपने पास भी रखिए एकदम। स्टाफ एक ही है ना, तो आप बैंक से मांगिए, दो गार्ड मांगिए। सर आप लेटर में लिख के दीजिए, वो लेटर हम अपने आप।
नहीं है ना, मान लो कोई कोई किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। एक तो पीछे पूरा ऐसे खुला हुआ है, हमारे जगह पर अपराधी रहता तो आज कहाँ आराम से आएगा ना। मैंने जिस तरह से हम आ गए इतना आसानी से, उसी तरह से तो आ सकता है। फिर उसके बाद ये आपका ये खाली है पूरा एकदम, कोई भी आदमी आएगा खिलाफ डेगा यहाँ घुस जाएगा, तुम आदमी तुमको बना देगा यहाँ से। ये आप सेफ्टी नहीं बरतिएगा, इसके बाद से अगर कोई घटना घटता है तो समझा जाएगा कि आप अपना बैंक खुद अपना घटना करवाए। ये तो यहाँ पर आप ग्रिल लगवा दीजिए और दरवाजा हमेशा बंद कर रखिए। जिस दरवाजा से बंदा आसानी से घुस गए आ गए यहाँ पर खड़ा हो गए, दो आदमी पकड़ लेंगे हम लोग। वहाँ चैनल लगा तो अपने घर चलता वहाँ पे। अगर आपके लिए घर पर चार नंबर मास्क लगते हैं तब तो उठाते ऐसे दिखाते ऐसे दिखाते ना कहते कि पैसा निकाल निकाल लेते हैं क्या सुरक्षा आपकी लगवाए यहाँ पे।